फाइनली बड़े दिनों के बाद वन पीस के मांगा चैप्टर 1104 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं। वन पीस की मांगा पिछले कुछ दिनों से ब्रेक पे गई थी, वो भी ऐसे टाइम पर जहाँ पर भाई अपना कुमा सेटंग के मुंह पे अपना पंच देके मारने वाला था, और तभी वन पीस की मांगा एकदम से ब्रेक पे चली गई, जहाँ पर हमको देखने को भी नहीं मिला कि भाई कुमा ने सेटंग को कितना गंदा मारा है। तो लास्ट चैप्टर जहाँ पर एंड हुआ था वही से इस वाली चैप्टर की शुरुआत हुई है। चैप्टर के स्टार्टिंग में भाई कुमा ने सेटंग के मुंह के ऊपर काफी गंदा वाला पंच देके मारा है। मुझे तो लगा था भाई सेटंग जो है वो कुमा के पंच को ब्लॉक कर देगा, लेकिन भाई कुमा ने उसको कुछ ज्यादा ही इंजर्ड करके रखा है। और अपने कुमा भाई साहब यहीं पर ही नहीं रुके, भाई कुमा इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने सैटर्न का एक पैर उखाड़ के फेंक दिया, और इस टाइम सैटर्न इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो अपने पावर्स का यूज करके भी भाई किसी को एक जगह पे रोक नहीं सकता था। और इसी वजह से लास्ट टाइम जब सारे के सारे स्ट्रॉयड्स एक जगह पे स्टक हो गए थे, वो अभी सारे के सारे फ्रीली मूव कर पा रहे थे, और अभी सैटर्न तो कुछ टाइम के लिए घायल हो चुका था और उसको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए भी टाइम लगता है, इसलिए सारे के सारे स्ट्रॉयड्स एकदम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर पहले तो वो कुमा को देख के एकदम से शॉक में चले गए थे कि भाई ये बंदे की मेमोरी सारी की सारी वापस तो नहीं आ गई, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा था कि कुमा को उसकी मेमोरीज वापस भी मिल सकती है। लेकिन ओडा सेंसे के दिमाग में वो पहले से ही था कि वो कुमा को एगेड का हीरो बना के छोड़ेंगे, जो कि स्ट्रॉयड्स को लास्ट में आके प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉयड्स पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं थे, क्योंकि किजारू भी एकदम से खड़ा होकर भाई सारे के सारे स्ट्रॉयड्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये बंदे का मुझे तो नहीं लगता कि भाई इसने लूफी को खाने को दिया होगा उसकी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए। मुझे तो लगता है कि अपने कैराबू भाई साहब फिर से लूफी के आजू बाजू घूम रहे हैं, जो कि लूफी को टाइम टू टाइम खाने को दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि भाई किजारू थोड़ा सा भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से भाई सारे के सारे नेवी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, और वो क्यों अपने जान को खतरे में डाल के सैटंग के सामने भाई लूफी को खाने को देगा। चलो लूफी को खाने के लिए किसी ने भी क्यों ना दिया हो, लेकिन लूफी की स्ट्रेंथ यहाँ पे धीरे धीरे करके वापस आ रही है, और भाई कुमा ने भी सही टाइम पे आके सारे के सारे स्ट्रॉयड्स और बोनी को भी प्रोटेक्ट कराए, तो भाई यहाँ पर लूफी का भी काम बनता है कि भाई वो सैटन को दो तीन गुस्से भी मारे। यहाँ पर तो मेरे से वेट नहीं हो रहा है कि भाई लूफी कब जाके गेयरफाई के अंदर फिर से जाएगा और सैटन की यहाँ पर बैंड बजाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको लूफी का तो नहीं पता है कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आई है या नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर अपने सैटन भाई साहब जो है भाई उनने पूरे की पूरे रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया है, और अभी लूफी को तो अपने गेयरफाई के अंदर वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि भाई कुमा सैटन को ज्यादा टाइम तक संभाल पाएगा, क्योंकि कुमा ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन के अंदर है। उसके बॉडी के ऊपर उसने ढेरों सारे टॉर्चर्स को सहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि भाई वो सैटन के साथ में प्रॉपर 1v1 ले पाएगा, और वो अगर सैटन को अकेले ही रोकना चाहेगा तो उसकी भाई इसके अंदर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल है। और अपने लूफी के पास में इतना कुछ टाइम भी नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे नेवी वाले भाई एगेड को सीधा उड़ाने की सोच रहे हैं। उनको बस एगेड के ऊपर एक ही चीज की जरूरत है, जो कि है मदर फ्लेम। बाकी सारे के सारे लोग मारे क्यों भी नहीं जाते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है कुमा कितने टाइम तक भाई सैटन को प्रॉपर तरीके से रोक पाएगा? और अभी पूरा चैप्टर आने के लिए काफी ज्यादा टाइम बचा है, तब तक भाई स्पॉइलर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।